पार्टी के जन्म के बाद जितना भी चुनाव हुआ है वो सब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा MLA है हमारे पार्टी को, और लोकसभा में भी हमें काफी सीट मिला। आज भी हमारी पार्टी भले पीछे करने का काम किया, हमारा प्रेजेंस है लोकसभा में, हमारे लोग हैं, राज्यसभा में लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जब जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से रिपोर्ट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं, यहाँ आने के बाद ठीक बोल रहे थे इससे पहले कि हम लोगों ने देखा है चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा है आपने, चक्का मिला था, हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा, सब में हम लोग जीते हैं सब जगह। अब सोच सके जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के जो नेता थे आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांसघाट तक नारा लगाते गए थे और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी को, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था उस अरमान को हम लोग बहुत हद तक पूरा किया है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी उस समाज में जिस तरह का बनावट, आज हिम्मत नहीं है लोगों को, आज बराबरी का, सबके लिए कुर्सी, सबके लिए खटिया, सबके लिए कुआं का पानी, बराबर रूप से आज लोग चाहे अनचाहे इसको एंजॉय कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उज्ज्वल ही नहीं है, हम याद होगा लोगों को कि मैंने 5-5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया, और सारा क्रेडिट, पूरा समय नहीं है खोल के बात करने का। और हम लोग उन दिनों में नए केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन प्रवाह नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहां पर हम लोगों ने कह के बनवा दिया था, शायद कृषि मंत्री थे राज के। और बिहार आंदोलन गांव गांव तक फैला, हल्ला हुआ चारों तरफ से। उन दिनों में लालू यादव मारा गया। इस अफवाह ने काफी बल दिया, गरीब लोग की ताकत में इजाफा हुआ और आगे बढ़े। कोरोना तो है ही, लेकिन उससे बढ़ करके ये महंगाई, बेरोजगारी, लोगों का कमर तोड़ दिया है।
रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाग में गांव में हटाया जा रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम डीजल का बढ़ता हम लोग के सरकार में तो चलना हम लोग दोहर कर देते, लेकिन यहाँ तो कोई सिवाय नहीं है। घी का दाम पीछे छूट गया, डीजल और पेट्रोल आगे चला जा रहा है। इन चीजों के खिलाफ में पहले बढ़ा भी था तो हम लोग साइकिल से शुरू किया था ऑफिस जाना, एज ए चीफ मिनिस्टर साइकिल पर बैठ के हम निकले। मैसेज दिया, कहा गया था 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हम। हम बेहतर भारत द्वारा बनाएंगे, कहा गया था यहां सब लोगों, लेकिन आज बेकारी में कैसा मार पड़ा है जीएसटी से का, और ये नोटबंदी से जो शुरू हुआ महान बहुत बड़ा आर्थिक संकट है देश के ऊपर। देश हजारों वर्ष पीछे चला गया ये कोरोना से, कोरोना भी तो अलग है। सभी लोगों के मुंह पर जाब लगा के रूम में घरों में बंद हम लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो इस स्थिति का पालन सब लोग कर रहे हैं। और तीसरा फेज शायद कोरोना का आने वाला है, उससे लोग और व्याकुल हैं, स्वाभाविक है लोग डर रहे हैं। जितनी मौत हुई है देश में कोरोना की वजह से उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार में जितने लोग मरे हैं कोरोना से चिकित्सा के अभाव में, ये सबसे अव्वल दर्जा में पटना को गिना जाने लगा। कोई आदमी नहीं जा रहा था पटना में या बिहार में, गांव में जो मरे थे तो मरे, लेकिन शहर की बात है कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमारी के से ग्रस्त रहे और कोई सब बात नहीं रही, कोई चीजों का प्रबंध नहीं रहा अस्पताल से लेकर सब कुछ। तो आज देश हमारा बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, पीछे जा रहे हैं। इसकी पूर्ति करना साधारण बात नहीं है। आर्थिक संकट, दूसरे तरफ सामाजिक ताना बाना को खंडित किया जा रहा है। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा, ये क्या मतलब है भाई? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर तबाह करना, बर्बाद करना। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने साथी हैं यहां भी हैं, खेत में खलिहान में हैं, सामाजिक ताना बाना को मजबूत रखने के लिए लोगों को बताइए। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, मीट जाएंगे मीट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जो बोलता था जंगल राज, जंगल राज, मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था,
सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, उस जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया, रोटी को पलटा। हलो लगातार क्रम शुरू हुआ, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल रह जा गया। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना, पटना ही नहीं पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.